आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे HIV और एड्स के बारे में। और ये सिर्फ आपको नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर किसी को जाननी चाहिए कि एक्चुअली में HIV है क्या। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं एड्स और HIV। एड्स क्या है? एड्स एक सिंड्रोम है और बीमारी नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि मैं एड्स को एक सिंड्रोम कह रहा हूं, बीमारी नहीं कह रहा हूं। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो बीमारी और सिंड्रोम में क्या फर्क है, ये भी हम आपको बताएंगे, पर इस वीडियो का ये मुद्दा नहीं है। अब HIV एड्स, जब हमारे शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं करता है और उसके लक्षण दिखने लगते हैं तो उसे हम बीमारी कहते हैं। जबकि सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपका वह अंग नहीं रहा और उसके ज्यादा लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं। अब HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वायरस के संक्रमण से मनुष्य में एड्स होता है। HIV मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? इम्यून सिस्टम जो है, जिससे मनुष्य अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत को खो देता है। इसलिए एड्स को सिंड्रोम कहते हैं। खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। HIV वायरस मूल रूप से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करना कम या बंद कर देता है। और एक बार प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया तो आपके शरीर संक्रमण और कैंसर से लड़ने की क्षमता को खो देता है। संक्रमित व्यक्तियों की लार, आंसू और मूत्र में HIV की मात्रा जो है पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं पाई जाती, बहुत ही कम पाई जाती है। लेकिन इन श्रावों के द्वारा संक्रमण होने का कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है और इनके द्वारा संचरण होने की जो संभावित है वो जोखिम नगण्य है। मच्छरों द्वारा HIV का संचरण किया जाना संभव नहीं है। एक मां से उसकी संतान में HIV का संक्रमण यूटेरो में, इंट्रापार्टम अथवा स्तनपान के द्वारा हो सकता है। उपचार के अभाव में माता और पुत्र के बीच जन्मतर संचरण की दर लगभग 25% है। यहां संयोजनात्मक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं से उपचार और सीजरियन सेक्शन उपलब्ध हो वहां इस जोखिम को कम करके 1% तक किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि HIV पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कितने दिन में एड्स हो सकता है? देखिए, इस रोग से आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और किसी भी इंफेक्शन से लड़ने में असक्षम हो जाते हैं। अब HIV इंफेक्शन को एड्स में बदलने में कितना समय लगेगा? देखिए, भारत में यह समय जो है वो 8 से 10 वर्षों के बीच में। इसमें HIV पॉजिटिव वो रोगी भी शामिल है जो एड्स होने से पहले अन्य इंफेक्शन से पीड़ित है। तो इसमें इंफेक्शन को पूरी तरह एड्स में बदलने के लिए व्यक्ति को 2 से 3 से ज्यादा इंफेक्शन होने चाहिए, जिसमें CD4 काउंट कम होना और बहुत ज्यादा वायरल होना चाहिए। HIV से पीड़ित या हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस, TB और इंफेक्शन से पीड़ित लोगों को एड्स होने का समय अलग नहीं है। एड्स में बदलने से पहले HIV का पहले ही पता लगाना सही उपाय है। भारत में HIV का पता लगाने बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार लोग CD4 काउंट बहुत कम होने के बाद क्लिनिक जाते हैं, जो कि लगभग 150 या 120 सेल्स MM3 होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी गलत धारणाओं के बारे में बताया जाता है HIV के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी HIV जो वायरस है जानलेवा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होता कैसे? अब तो आप जान चुके हैं कि एड्स HIV विषाणु के कारक होते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी होता कैसे।
एचआईवी वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए संक्रमण माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह माध्यम हो सकता है रक्त, वीर्य, योनि स्राव और स्तन का दूध। वायरस की उच्चतम सांद्रता रक्त में पाई जाती है, इसके बाद वीर्य, योनि का तरल पदार्थ और फिर स्तन दूध द्वारा पाया जाता है। अब यौन संपर्क का कोई भी रूप जिसमें वीर्य, प्रीसा, योनि तरल पदार्थ या रक्त शामिल हो। दूसरी चीज, संक्रमित रक्त, खासतौर पर संक्रमित इंजेक्शन साझा करने से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से इन चीजों से हो सकता है। नशीली जो दवाइयां होती हैं और जो पदार्थ होते हैं उसमें जो इंजेक्शन लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इंजेक्शन अदली बदल हो गया, सेम इंजेक्शन लगाओगे तो भी हो सकता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से अंग दान लेने से भी होगा। एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया बेस्ट और रेजर आदि भी एड्स हो सकता है, जो ब्लेड्स होते हैं। जन्म के दौरान या जन्म से पहले या स्तन दूध के माध्यम से बच्चे को एड्स हो सकता है। अब सवाल यह होता है कि इसमें चांसेस सबसे ज्यादा कब है? असुरक्षित यौन संबंध या वेश्यावृत्ति या अनेक यौन संबंध पार्टनर जो रखता हो उन्हें हो सकता है। जननांग क्षेत्र में घाव से संक्रमण हो सकता है ऐसे पार्टनर के साथ जो यौन संबंध रखता हो। नशीली पदार्थ और ड्रग्स लेते समय जो इंजेक्शन को साझा करते हैं वो होगा। अब मैं आपको बताऊंगा फैलने के जो मुख्य कारण है, लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या होते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी खतरनाक कितनी है मैं आपको बता चुका हूं। एड्स का पूरा नाम भी हम आपको बता चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। न्यूयॉर्क में 1981 में इसके बारे में पहली बार पता चला जब कुछ समलिंगी यौन क्रिया के शौकीन अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गए। इलाज भी रोग ज्यों का त्यों रहा, इलाज के बाद भी रोगी बच नहीं पाए तो डॉक्टर ने परीक्षण करके देखा कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी थी। फिर शोध होना शुरू हुआ और फिर नाम दिया गया AIDS, यानी क्वायर्ड, यानी यह रोग किसी दूसरे व्यक्ति से लगता है। ID यानी एम्यूनियो डिफिशियंसी, यानी वह शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता को समाप्त कर देता है। और S एड्स जब बोलते हैं AIDS, S यानी सिंड्रोम, यानी बीमारी कई तरह के लक्षणों से पहचानी जाती है। विश्व में ने पूरे विश्व में 2.5 करोड़ लोग अब तक इस बीमारी से मर चुके हैं और करोड़ों अभी इसके प्रभाव में हैं। अफ्रीका पहले नंबर पर आता है जहां एड्स के सबसे ज्यादा रोगी हैं और भारत का स्थान दूसरा है। भारत में अभी 1.25 लाख मरीज हैं और प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, रोज संख्या बढ़ रही है। भारत में पहला एड्स मरीज 1986 में मद्रास में पाया गया था। आप भारत के इंटीरियर में चले जाइए तो वहां डॉक्टरों तक पता नहीं है कि इसकी जांच कैसे की जाती है, इलाज कैसे करना है, मरीज को कहां भेजना है और इसकी रोकथाम के लिए क्या जरूरी उपाय हैं, नहीं पता है डॉक्टरों को। एड्स रोगी को समाज में है दृष्टि से देखते हैं, उसे परहेज करते हैं, भेदभाव रखते हैं। एड्स अपने आप में एक पृथक बीमारी नहीं होकर कई विकृतियां और बीमारियों के लक्षण का एक समूह है। भारत में बीमारी ज्यादातर असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैल रही है और इसका प्रतिशत 85 है। भारत में मुख्य रूप से जो एड्स फैल रहा है वो ड्राइवर्स हैं। ये जगह जगह ट्रेवल करते हैं और थोड़े से सुख के लिए ये कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी जगह उसको जाकर फैलाते हैं। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में समलैंगिकता के कारण यह तेजी से फैला है। योनि के बजाय गुदा मैथुन से तेजी से फैलता है। योनि मैथुन की वनस्पति गुदा मैथुन इसे फैलाने में ज्यादा सहायक होता है। इसका कारण यह है कि गुदा की म्यूकोजा यानी झिल्ली अत्यंत नाजुक होती है और झिल्ली क्षतिग्रस्त होने पर वायरस
खून में शीघ्र पहुंच जाते हैं। हालांकि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उन्हें भी इस चीज की पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे जकड़ती कैसे, वे हाई सोसाइटी महिलाओं के संपर्क में आकर इसके शिकार हो जाते हैं। शिक्षित वर्ग को नहीं मालूम है कि बायोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाएं ही इस रोग का शिकार ज्यादा होती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में इसके 20 गुना ज्यादा संक्रमण होने की आशंका होती है, क्योंकि फिजिकली जो औरतें होती हैं वो हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मर्दों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और नाजुक होती है। यह रेट्रोवायरस ग्रुप का एक विचित्र वायरस है। यह आरएनए के 2 स्टैंडर्डों से युक्त होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है और फिर कोशिकाओं के डीएनए में हमेशा के लिए सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। एचआईवी वायरस के शरीर में प्रवेश करने, शरीर में सुप्तावस्था में रहने की क्रिया एचआईवी संक्रमण कहलाती है और इस अवस्था में इन्फेक्शन तो होता है किंतु बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। संक्रमण को बीमारी की अवस्था में पहुंचने में वक्त लगता है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, कभी कभी ये 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं। कई वर्षों बाद यह मानव शरीर में पड़ा रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और दूसरी ओर मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को खत्म करता चला जाता है। जब रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर यह जागता है और फिर अपना काम शुरू करता है। साथ ही शुरू होता है वो समय जब मरीज धीरे धीरे मौत की ओर जाने लगता है। मरीज की मौत के साथ ही यह संबंधित के शरीर से समाप्त होता है। बिना जांच का खून मरीज को देना भी एड्स फैलाने का माध्यम होता है। खून के द्वारा इसके वायरस सीधे खून में पहुंच जाते हैं और बीमारी जल्दी गिर लेती है। आज एड्स जांच केंद्र देश के गुने चुने स्थानों पर ही हैं, लेकिन कितने लोग अपना जो ब्लड है टेस्ट कराकर खून दान करते होंगे? बहुत कम। नशीले पदार्थ लेने वाले लोग भी एड्स ग्रस्त होते हैं। वे एक दूसरे की सिरिंज से निडल वापते हैं और जिसे सुई कहा जाता है उससे एड्स होता है। मां जो संक्रमित मां है, तो जो शिशु है, अगर जानकारी का अभाव है तो शिशु भी संक्रमित पैदा होगा। तो ऐसे बच्चों को डॉक्टर बोलते हैं कि अपने दूध मत पिलाओ। तो इस प्रकार ट्रांसप्लांटेशन संक्रमण से भी एड्स लगभग 60% तक फैलता है। बाकी बचा 40% मां के दूध से शिशु में पहुंच जाता है। अब जो लक्षण है एड्स के, कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, सामान्यतः अन्य बीमारी में होने वाले लक्षण ही होते हैं, जैसे कि वजन में कमी होना, 30 से 35 दिन से ज्यादा डायरिया रहना, लगातार बुखार रहना इसके प्रमुख कारण है। एक्चुअली होता क्या है कि एचआईवी नामक जो विषाणु है सीधे हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उन पर आक्रमण करके शरीर के अंतस्थ में उपस्थित अनुवांशिक तत्व डीएनए में प्रवेश कर जाता है, जहां इनमें गुणात्मक वृद्धि होती है और इन विषाणुओं की बड़ी संख्या दूसरे श्वेत कणिकाओं पर आक्रमण करती है। इससे धीरे धीरे इन श्वेत कोशिकाओं की संख्या घटती जाती है, वही मेन है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, शरीर की जो प्रतिरोधी तंत्र है वो नष्ट होता चला जाता है। तो एक टफ वाली चीजें हो जाती है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि जो वाहियात बातें जो फैलाई जाती हैं एड्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो गलत धारणाएं हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एड्स के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणा है कि एड्स किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने से होता है। यह गलत है। एड्स शरीर में किसी भी लिक्विड एक्सचेंज जैसे खून, स्पर्म, स्लाइवा उससे भी फैल सकता है। कई बार एक ही निडल से सुई लगाने या संक्रमित रक्त चढ़ाने पर एड्स होता है। यह मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आप सतर्क रहें। यह छूने से, पसीने से, आंसुओं से, साथ बैठने से, खाने से नहीं फैलता है। यह संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई इस्तेमाल करने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से या फिर मां के दूध से ही फैलता है। मच्छर के काटने से एचआईवी होता है, गलत धारणा है। लोगों में यह भ्रम है कि मच्छरों के काटने से एचआईवी फैल सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। मच्छर अगर एचआईवी ग्रस्त आदमी को काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे एचआईवी नहीं हो सकता है,
क्योंकि किसी भी कीट के अंदर कोई भी वायरस बहुत ही कम समय के लिए होता है। कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस के कारण कमजोर हो जाती है। एचआईवी से ग्रस्त आदमी कई सालों तक सामान्य जीवन जी सकता है। एचआईवी संक्रमण होने के बाद भी कुछ लोगों में कई सालों तक उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इस बीमारी को साइलेंट एपिडेमिक यानी कि खामोश महामारी कहा जाता है। एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच की जानी बहुत जरूरी होता है। एड्स होने से मृत्यु हो जाती है, एड्स होने से मौत हो जाती है, गलत है। एड्स बीमारी होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि मरीज की मौत हो जाएगी। एड्स होने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, लेकिन अगर पूरी देखभाल और रख रखाव रखा जाए तो एड्स पीड़ित काफी लंबी जिंदगी जी सकता है। जैसे टैटू या बॉडी पियर्सिंग सुरक्षित है, कई लोगों को शरीर में टैटू गुदवाने से भी एड्स हो जाता है। एक ही निडल से टैटू या बॉडी पियर्सिंग करने से एड्स होने की संभावना रहती है, इसलिए जब भी टैटू बनवाएं तो उसके सभी टूल्स को सही तरीके से स्टरलाइज करवाएं और उसके बाद नई निडल से बनवाएं। एक और मिथ है, ऐसा माना जाता है कि एड्स पीड़ित दंपत्ति से एड्स पीड़ित बच्चा ही जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी जोड़े को पता है कि वह एड्स पीड़ित है तो उन्हें गर्भधारण करने से पहले डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और पूरी देखभाल रखनी चाहिए, प्रसव के बाद बच्चे को मां का दूध नहीं देना चाहिए, तो इस प्रकार बच्चा सामान्य ही होगा। दो एड्स पीड़ित लोग बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर सकते हैं, मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि एड्स पीड़ित दो लोग आराम से बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर सकते हैं, ऐसा हर किसी नहीं है। हर किसी को अलग प्रकार का एड्स होता है, या किसी को एड्स होता है और किसी को एचआईवी। तो एड्स पीड़ित किसी मरीज को CD4 का काउंट ड्रॉप 200 होता है और किसी को संक्रमण या कैंसर होता है। तो ऐसे में जब भी सेक्स करें तो प्रोटेक्शन जरूर इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात है कि एड्स और एचआईवी में अंतर जो है वो आपको जरूर समझना होगा। बचाओ, बचाओ तो वही है, जो कारण है उसी के पॉजिटिव बचाओ है अगर देखा जाए तो। कुछ और भी चीजें हम आपको बता देते हैं एड्स के बारे में। एचआईवी एड्स सबसे ज्यादा सेक्स संबंधों के कारण फैलता है, ये तो मालूम की बात है। दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी के सबसे ज्यादा लगभग 60 लाख पीड़ित हैं, 60 लाख। दुनिया में हर दिन लगभग 900 बच्चे एचआईवी एड्स विषाणु के प्रभाव में आते हैं। एचआईवी दूसरे विषाणुओं की तरह समुद्र के पानी में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। एचआईवी विषाणु 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान अगर हो गया तो उसके जो विषाणु हैं वो मर जाएंगे। एचआईवी विषाणु कमरे के तापमान पर सूखे खून में जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कमरे का तापमान 10-15 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको एड्स के बारे में बताया है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।